नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS by Nature में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप सब TGT आर्ट की कर रहे हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की कर रहे हैं, तो इसकी तैयारी में आप व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। आज की जो क्लास है इसमें हम लोग पाश्चात्य कला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पाश्चात्य कला पढ़ेंगे। मित्रों, पाश्चात्य यही जो आपका आउट ऑफ स्टेट वाला डाटा हो और आपसे को पूछा जाता हो, जिसमें आपके विश्व लेवल पे कुछ जानकारियाँ दे दी जाती हूँ, यही आपका पाश्चात्य की श्रेणी में आ जाता है। जैसे आप देखें तो कहीं मिस्र की कला से क्वेश्चंस पूछ लेता है, कभी मेसोपोटामिया से पूछता है, कभी बेबीलोन से पूछ लेता है, कभी क्रेट की कला से पूछता है, तो यही सब आपको पाश्चात्य के रूप में देखना होता है। आपके सिलेबस में तो इसका हिस्सा नहीं है, सिलेबस आपका खाली है, इससे अछूता है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो कभी कभी 4 से 5 प्रश्न तो कभी 7 से 10 प्रश्न के बीच आ जाते हैं, इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो मित्रों, थोड़ा सा पेन पेपर उठा लीजिएगा, जिस पे विशेष नज़र दौड़ाया जाए या विशेष फोर्सली करके कहा जाए उसको आपको ज़रूर नोट डाउन करना है, उस पर आपका काम बनना है। हम देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ चलें, तो क्वेश्चंस बाद में देखेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरिकल डाटा देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस भी देख लेंगे। जैसे कहा जा रहा है मिस्र की कला, मिस्र की कला के लिए टॉपिक दे दिया गया, फिर उससे जुड़ा हुआ कला के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मित्रों, सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया वो अंत्येष्टि यानी मृतक, मृतक संस्कारों की कला कौन कहलाती है, तो अंत्येष्टि वाली कला आपकी मिस्र की कला के उदाहरण है, यानी मिस्र की कला को आप अंत्येष्टि यानी मृतकों की कला भी कहते हैं। मृतकों की जो पुस्तक है बुक ऑफ द डेड, ये पुस्तक मिलती है किसमें, तो मिस्र यानी इजिप्ट में आपको दिखाई देती है। और आगे देखेंगे मित्रों, तो कहा जाता है मिस्र के प्राचीनतम चित्र किस नदी के किनारे मिले हैं, तो मिस्र की सभ्यता में जो पुराने पुराने चित्र मिले हैं मित्रों वो कौन सी नदी के किनारे मिले, तो मिस्र में एक नदी बहती है नील नदी, और इसी नदी के किनारे आपके प्राचीनतम सभ्यता वाले शेष मिले हैं यानी अवशेष देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट दिया गया मकबरा का राजकीय विशाल रूप है, तो मित्रों मकबरा जो होता है आप जानते हैं जहां लोगों को दफनाया जाता है मुगलिया काल में, मकबरा नाम दिया गया, तो इसका राजकीय विशाल रूप, थोड़ा राजाओं का बढ़िया वाला जो ठीक ठाक रूप होता है उसी को आप पिरामिड कहते हैं, गीजा का पिरामिड हो, कई सारे पिरामिड आते हैं, तो ये सब पिरामिड हैं मित्रों, याद रखिएगा मकबरा का राजकीय विशाल रूप जो है वही पिरामिड कहलाता है। और पिरामिड का जो आकार होता है वो आप देखेंगे तो सदैव नकीला होता है, क्योंकि आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा या इंटर में पढ़ा होगा तो इस टाइप से आपका पिरामिड होता है, आप देखते होंगे ऐसा ऐसा मिला हुआ बिल्कुल नकीला आकार वाला, ठीक है। और पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, पिरामिडों का देश जो है इजिप्ट को ही कहा जाता है या मिस्र को ही कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला पॉइंट आएगा, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि मिस्र के किन दीवारों पर जमीन के विविध पक्षों को ही चित्रित किया गया है, तो ये पिरामिडों तथा समाधियों की दीवारों पर आपका जीवन का बहुत सारा पक्ष दर्शाने का प्रयास किया गया है। कहाँ पे किया गया है? इजिप्ट में किया गया है। मिस्र में नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का जन्म हुआ। मिस्र की सभ्यता कब आती है मित्रों, तो 3400 ईसा पूर्व में आती है, 3400 ईसा पूर्व में आती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते मित्रों, अगला पॉइंट दिया गया, पॉइंट कह रहा है मिस्र की कला प्रधानतया संबंधित है किससे, रिलिक से इसका संबंध होता है, तो रिलिक चित्र हैं, रंगीन मूर्ति हैं और पिरामिड है, तो रिलिक चित्र, रंगीन मूर्ति और पिरामिड मिस्र की कला के मुख्य अवयव माने जाते हैं यानी प्रधान केंद्र माने जाते हैं। और जो मिस्र में मित्रों कारीगर होते हैं जिसे राजमिस्त्री कहा जाता है उन्हें क्या कहते थे, तो हेमूत कहा जाता है, हेमूत मिस्र में जो कारीगर कहलाते थे उन्हें हेमूत कहा जाता था, और हेमूत का जो अर्थ होता है वो कार्य से होता है, हेमूत का जो अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ कार्य के रूप में जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध पिरामिडों का निर्माण करवाया था, तो फराउनों यानी फराउनों आपके राजा हैं, तो वहाँ के राजाओं के द्वारा विश्व प्रसिद्ध जो है पिरामिडों का काम करवाया गया। आगे कहें मित्रों, अगला पॉइंट आता है अमरना कला, मिस्र की कला का
विश्व प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो मित्रों नेफरतिति की जो मूर्ति बनाई गई है ये अमरना कला या मिस्र की कला का सबसे बढ़िया वाला उत्तम वाला आपका उदाहरण माना जाता है, सबसे उत्तम कृति मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ कृति नेफरतिति की मूर्ति बताई जाती है। पिरामिडों का युग किस राजवंश को कहा जाता है? तो जो पिरामिडों का युग कहा जाता है मित्रों वो तृतीय राजवंश के दसवें राजवंश तक जाता है। तो तीसरे से दसवें के बीच का जो होता है युग वो सबसे बढ़िया राजवंश होता है पिरामिडों का युग का। मित्रों अभी आपने देखा था कि जो आपकी मिस्र के कारीगर होते थे उन्हें हेमूत कहा जाता था, जबकि मस्तबा किसे कहा गया? तो मस्तबा मित्रों समाधि को कहा गया है, याद रखिएगा मस्तबा किसका शाब्दिक अर्थ है? समाधि का। मिस्र के प्राचीनतम चित्र किस पर अंकित किए गए हैं मित्रों? तो तटवर्ती चट्टानों पर आपका सबसे पुराना चित्र अंकित है। और आगे देखेंगे तो डूबे हुए रिलीक की विधि का विकास किसके समय हुआ? तो डूबे हुए रिलीक की जो विधि है मित्रों वो सामग्री मरे सांझ या सामग्री मगे शौख के आधार पे जो है विकसित हुआ है। तो डूबे हुए रिलीफ की जो विधि है वो सामग्री मरे शौख के आधार पे हुआ है। आगे बढ़ेंगे, रोजेता शिला जिस पर मिस्र लिपि अंकित की जाती है वो कब अंकित की गई? तो 1798 में। कब? 1798 में आपकी रोजेता शिला पर मिस्र लिपि अंकित होती है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है मित्रों, कहा गया विश्व प्रसिद्ध जो रिफिक्स की मूर्ति है वो कहाँ पर है? तो रिफिक्स आता है कई बार लेप्स आता है, तो याद रखिएगा वो इजिप्ट में ही है। विश्व प्रसिद्ध है स्फिक्स कहो रिलेप्स कहो जो आपके समझ में आए, स्फिक्स की जो मूर्ति है मित्रों फेमस है वर्ल्ड लेवल पर, इजिप्ट में ही पाई जाती है। और मिस्र के सबसे विशाल पिरामिड का नाम बताइए? तो गीजा का पिरामिड इसीलिए कहा जाता है इसे। मिस्र में किस शासक का समय काल सबसे बढ़िया वाला रहा, सबसे ज़्यादा उन्नति हुई? तो वो थिब्ज जो राजा रहे हैं, थिब्ज के समय मिस्र में सबसे ज़्यादा उत्थान रहा है। स्फिक्स क्या होता है? कि विशाल नरसिंह की मूर्ति है मित्रों स्फिक्स। तो एक बड़ा वाला नरसिंह की मूर्ति जो है वो आपका क्या कहलाता है? स्फिक्स कहलाता है। मिस्र के किस राजवंश में चित्रकला की सर्वाधिक उन्नति मानी जाती है? तो पांचवें राजवंश में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, पांचवें राजवंश में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। 1922 में किस अंग्रेज पुरातत्ववेदता ने 1922 में किस अंग्रेज पुरातत्ववेदता ने मिस्र के सम्राट तूतेन खामेन के पिरामिड के एक गुप्त द्वार की खोज किया था? तो हार्वर्ड कार्टर जाते हैं, अंग्रेज हैं, पुरातत्ववेदता हैं, हार्वर्ड कार्टर 1922 में जाके और खोज देते हैं वहाँ पे। मिस्र में कितने राजवंशों का शासन रहा है? तो मित्रों 31 राजाओं ने मिस्र पे शासन किया है, याद रखिएगा। और मिस्र की लिपि कैसी रही है मित्रों? तो गुणाक्षर रही है, गुणाक्षर में जो है मिस्र की लिपि चलती थी। और आगे बढ़ें तो मिस्र के लिए क्या शब्द आते हैं? तो मिस्र में राजवंश की स्थापना कब हुई? तो 4300 ईसा पूर्व में हुई। कब? 4300 ईसा पूर्व में हुई है मित्रों। आगे कहा जाता है मिस्र के राजनैतिक इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? तो इसे तीन भागों में बांटा गया। एक तो पिरामिड युग आता है, दूसरा सामंतवादी युग आता है, तीसरा साम्राज्यवादी युग आता है। तो पिरामिड, सामंतवादी और साम्राज्यवादी ये तीनों युग मिस्र के राजनैतिक इतिहास को बांटने वाले युग होते हैं। मिस्र के पिरामिड युग का समय क्या है? तो 3400 ईसा पूर्व से 2160 ईसा पूर्व का जो समय है मित्रों वो पिरामिड युग वाला समय होता है। और मिस्र के सम्राट कहलाते थे, मिस्र के सम्राट क्या कहलाते थे? सूर्यपुत्र कहलाते थे। क्या? सूर्यपुत्र कहलाते थे। मिस्र की सभ्यता का कौन सा युग स्वर्ण युग कहलाता है? मिस्र की सभ्यता का कौन सा युग स्वर्ण युग है मित्रों? तो साम्राज्यवादी युग जो है वो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। मिस्र का सबसे बड़ा देवता था मित्रों, मिस्र में सबसे बड़ा जो देवता माना जाता है वो आपका सूर्य माना जाता है, याद रखिएगा सूर्य। और मिस्रवासी मृतकों को किस में सुरक्षित रखते थे? तो ममी में वो अपना सुरक्षित रखते थे। जब मर जाते थे लोग तो उन्हें ममी में अपना सुरक्षित रख देते थे। और लेखन कला का विकास किस जगह हुआ? तो मित्रों लेखन कला का जो विकास है वो इजिप्ट में ही हुआ है, यानी आपके मिस्र में ही सबसे पहले हुआ है। गीजा की पिरामिड की माप क्या है जो सबसे बड़ी है? 755 फीट लंबा है और 484 फीट
ऊंचा है, याद रखिएगा। गीजा का पिरामिड कितने एकड़ भूमि में फैला है, तो एकड़ की बात आती है तो 13 एकड़ में गीजा का पिरामिड वाला भूमि फैला हुआ है, बढ़िया लंबा चौड़ा फैला हुआ है। और गीजा के पिरामिड का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा, 3000 ईसा पूर्व में खफू ने जो है गीजा के पिरामिड को बनवाया था। खफू 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 याद रखिएगा। अबू सिंबल का मंदिर स्थित है, अबू सिंबल का जो मंदिर है वो मिस्र में स्थित है मित्रों, और कहा जाता है मिस्र के साम्राज्यवादी युग के प्रमुख संगीतज्ञ थे, तो नोफर थे, रेम रेप्रा थे और सेन हफेरू थे। सेन हफेरू मित्रों ये कहाँ के थे, ये साम्राज्यवादी युग के बढ़िया बढ़िया संगीतज्ञ रहे, वहाँ संगीत बजाते थे। ठीक है, आप जानते हैं कि सबसे बढ़िया स्वर्णकाल साम्राज्यवादी युग का ही रहा है, मिस्र में तीन काल रहे हैं, पिरामिड युग, सामंतवादी युग और साम्राज्यवादी युग, जिसमें सबसे बढ़िया वाला आपका साम्राज्यवादी युग रहा है जिसमें साम्राज्य का विस्तार होता है। तो ये सब बातें हमें उम्मीद है कि समझ में आई होंगी। मस्तवा आप जान गए होंगे कि समाधि को कहा जाता है, आप हेमूज जान गए होंगे कि जिसे आप कारीगर को कहते थे, कार्य मतलब जिसका शाब्दिक अर्थ होता था, ये सब समझ गए होंगे। टोटल 31 राजवंश ने शासन किया ये भी जान गए होंगे। युग तो आप जान ही गए कि राजनीतिक इतिहास को तीन भागों में बांटा गया, जिसमें आप पिरामिड युग, सामंतवादी युग और साम्राज्यवादी युग की बात किए, तो ये सब बातें समझ में आ गई। उम्मीद है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन सब बनेगा तो अब मिस्र की कला आपसे नहीं छूटेगा, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मेसोपोटामिया की कला देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मित्रों, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए बहुत डीप में पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। मेसोपोटामिया की कला की अगर बात होती है तो मेसोपोटामिया की सभ्यता किससे संबंधित है मित्रों, तो नाम दिया जाता है दजला और फरात से संबंधित है। दोनों नदियां हैं याद रखिए, दजला और फरात। इराक को प्राचीन काल में कहा जाता था, मेसोपोटामिया इराक को ही कहा जाता था। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है, दो नदियों के मध्य का प्रदेश। दो नदी कौन कौन सी हैं, एक तो दजला दूसरी फरात। दजला और फरात की नदियों में पनपी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता कहलाती है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, आगे कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में ईरान के प्राचीन नगर उर में खुदाई किसने करवाया, तो उर नगर में खुदाई किसने करवाया, सिलियो नार्ड बुली के द्वारा जो है प्राचीन नगर उर में बढ़िया से खुदाई करवाया गया। सुमेरियन सभ्यता का काल माना जाता है, तो सुमेरियन सभ्यता का जो काल होता है मित्रों 4500 से 2358 ईसा पूर्व का होता है। 4500 से 2358 ईसा पूर्व का काल जो है सुमेरियन सभ्यता का काल माना जाता है। और आगे आप बढ़ेंगे मित्रों तो अगला पॉइंट आएगा, अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज का सर्वाधिक कार्य किसने किया था, तो सर लियोनार्ड बुली तथा कोल्डवे के द्वारा जो है किया गया। कोल्डवे और लियोनार्ड बुली के द्वारा मेसोपोटामिया सभ्यता में सबसे ज़्यादा खोज का काम किया गया है। और आगे बढ़ें, मेसोपोटामिया के लिए क्या आया, कहा गया प्राचीन बेबोलिन युग में किस कला का विकास हुआ। प्राचीन बेबोलिन युग में जो है वो जड़त्व युत्र पत्रों का और उसके साथ मूर्तियों की कला का विकास ज़्यादा हुआ है। बेबीलोन के झूलते बाग का निर्माण किसने करवाया था मित्रों, नाम याद रखिएगा, बेबीलोन के झूलते बाग का निर्माण किसने करवाया था, सम्राट नेम्बो पोलास्कर के पुत्र हैं नेम्बू चादेन जज्जर। तो नेबू जो नेबुदान चादे जज्जर हैं सेकंड द्वितीय, इनके द्वारा करवाया गया था बेबीलोन के झूले के बाग का निर्माण। आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस सभ्यता से प्राचीन मानी जाती है, तो हड़प्पा सभ्यता से पुरानी सभ्यता कौन सी है, दजला और फरात वाली यानी मेसोपोटामिया वाली सभ्यता है। अभी आपने मिस्र की सभ्यता पढ़ा था, मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे थी, नील नदी के किनारे। मेसोपोटामिया की सभ्यता किसके किनारे है, दजला और फरात नदियों के बीच में है। आगे कहते हैं मेसोपोटामिया में प्रकाश का देवता किसे माना जाता है, तो मित्रों मेसोपोटामिया में प्रकाश का देवता किसे कहा जाता है, सूर्य को, भगवान सूर्य। और आगे पढ़ेंगे, और आगे कहा जाता है सुमेरियन में देवताओं के मंदिर को कहा जाता है, सुमेरियन में देवताओं के मंदिर को जिगुरत कहा जाता है। और सुमेरियन किस कला में प्रवीण थे, सुमेरियन वास्तुकला में बहुत अच्छे थे, वास्तुकला में। सुमेरियन किस कला में निपुण था, मूर्तिकला में भी बढ़िया काम करता था। तो सुमेरियन किस में, वास्तुकला और मूर्तिकला में निपुण था। सुमेरियन लोग किस कला में पारंगत थे, तो चित्रकला में भी बहुत अच्छा काम करते थे। सुमेरियन सभ्यता का प्राचीनतम वाद्य यंत्र था मित्रों, सबसे पुराना वाद्य यंत्र जो सुमेरियन का रहा है वो वीन रहा है। वीन आज के डेट में भी आप देखते होंगे, पुरानी फिल्मों तो आप देखते ही होंगे कि जिसमें वो नागिन को बुलाने के लिए वीन बजाता है। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम लिपि का आविष्कार होता है, सबसे पहले लिपि, लिपि लिपि यही आपका भाषा का सबसे छोटा वाला जो आप जानते हैं
सबकी लिपि अलग है, गुरुमुखी लिपि आती है, ब्राह्मी लिपि आती है, पाली लिपि आती है, देवनागरी लिपि आती है, बहुत सारी लिपियाँ हैं। देवनागरी आपकी हिंदी वाली आप जानते हैं। तो विश्व में सबसे पहले लिपि का आविष्कारक तो सुमेरियन लोग ही रहे हैं। सुमेरियन लिपि को कहा जाता है मित्रों तो कीलाक्षर इसी को कहा जाता है या फिर कीलक लिपि इसका नाम होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया सुमेरियन लिपियों को क्या कहा जाता है, कीलाक्षर या फिर कीलक लिपि। और जुगुरत कहाँ गया है मित्रों, जुगुरत किसे कहा जाता है तो जुगुरत वहाँ के पूजा ग्रह को कहा जाता है मेसोपोटामिया में, ठीक है। इलियड और ओडिसी क्या है, इलियड और ओडिसी जो है मित्रों ये महाकाव्य है, जैसे रामायण महाभारत महाकाव्य है ऐसे आपके इलियड और ओडिसी भी अच्छे महाकाव्यों में शुमार है। ये तो बात आपकी मेसोपोटामिया कला की होगी। हम मेसोपोटामिया के बाद क्या पढ़ना ज़रूरी है, बेबीलोन की कला भी देख लेते हैं और क्रेट की कला भी देख लेते हैं। फिलहाल आपके सिलेबस का हिस्सा तो कुछ भी नहीं है लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ है, क्यों, क्योंकि आपने सपना सजोया है वो थोड़ा सा टफ है मित्रों। आइए देखते हैं बेबीलोन की कला के बारे में। बेबीलोन की कला की अगर बात होती है मित्रों तो बेबीलोन की कला, इस सभ्यता का जनक कौन था, तो सिमेटिक जाति के लोग इस सभ्यता के जन्मदाता माने जाते हैं। बेबीलोन नगर की नींव किसने डाली थी, तो नींव की जब बात आती है नगर की तो सारगन महान के द्वारा जो है इसका नींव डाला जाता है। बेबीलोन नगर की नींव किसने डाली, तो सारगन महान के द्वारा डाली गई। बेबीलोन का प्रमुख देवता था तो शमास यानी सूर्य। बेबीलोन का भी प्रमुख देवता कौन रहा, शमास रहा। अभी आपने मेसोपोटामिया पढ़ा था वहाँ पे प्रकाश का देवता किसे माना जाता है, वहाँ भी सूर्य यानी शमास को ही माना जाता है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, बेबीलोन के चित्रकार कितने रंगों का प्रयोग करते थे, तो जो भी बेबीलोन के चित्रकार हैं मित्रों ये 7 रंगों का प्रयोग करते थे विवजोर वाले, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बेबीलोन के राजमहल और देवालयों की दीवारों पर प्राप्त चित्र किस संग्रहालय में रखे हैं, तो जर्मनी संग्रहालय आप जाइएगा वहाँ पर आपको बेबीलोन के दृश्य देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको किसके, बेबीलोन वाले दृश्य देखने को मिल जाएंगे। आगे कहा जाता है किस काल का बना झूलते हुए बाघ विश्व के आश्चर्यों में गिना जाता है, विश्व के आश्चर्यों में किस काल का बना झूलते हुए बाघ विश्व के आश्चर्यों में गिना जाता है, नाम बेबीलोन युग का है। और देखें तो असीरिया के सम्राटों ने किस कलाओं में विशेष ध्यान दिया था, तो असीरिया के सम्राटों ने स्थापत्य और वास्तुकला को आगे बढ़ाने में ज़्यादा खास भूमिका निभाई है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, असीरिया सभ्यता से प्राप्त प्रमुख चित्र, हैं मित्रों, तो घायल शेरनी का चित्र है, मार रहे शेर का चित्र है और आराम कर रही शेरनी का चित्र है। ये सब दृश्य आपकी असीरिया सभ्यता के अच्छे चित्रों में शुमार हैं, अच्छे दृश्यों में शुमार हैं। आप याद ज़रूर रखिएगा क्योंकि मित्रों पूछा जाता है क्वेश्चंस तो बताना भी पड़ता है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ेंगे क्रेट की कला के बारे में देखेंगे। क्रेट की कला की अगर बात होती है तो महाद्वीपीय यूनानी क्षेत्रों में कांस्य युग की कला को कहते हैं क्रेट की कला। महाद्वीपीय यूनानी क्षेत्रों में जो कांस्ययुगीन सभ्यता है, कांस्ययुगीन कला है, उसी को आप क्रेट की कला भी काम दे देते हैं। यूनानी सभ्यता का केंद्र क्या था, तो उसी का केंद्र जो है क्रेट रहा है। और आगे बढ़ेंगे, क्रेट के प्रसाद पूर्व किस युग की चित्रकला में सर्वाधिक सुरक्षित उल्लेख मिलता है, तो क्रेट के प्रसाद पूर्व का युग में चित्रकला की सर्वाधिक सुरक्षित उल्लेख मिलता है, तो पात्रकला पे सबसे बढ़िया उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़ना है, पढ़ना है आपको प्रसाद पूर्व युग में मिट्टी के पके हुए पात्रों पर ज्यामितीय आलेखन करने या रंग से भरे जाने के लिए सफ़ेद और लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, याद रखिएगा। और माइसिनिया कला को कितने युग में बांटा गया, तो जो माइसिनिया रही मित्रों उसको 3 भागों में बांटा गया, एक तो प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आपका सीमांत युग या अंतिम युग। मित्रों अंतिम युग कहो, मध्य युग कहो और प्राचीन युग कहो, ये 3 भाग आप माइसिनियन कला को बांटेंगे। और आगे बढ़ते हैं तो इलियड और ओडिसी किस कवि के प्रसिद्ध महाकाव्य होते हैं, तो इलियड के साथ ओडिसी जो है ये कौन से कवि के द्वारा लिखा गया, होमर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, दोनों के दोनों महाकाव्य हैं, याद रखिएगा महाकाव्य। नौ बेबीलोनियन युग किसे कहते हैं, नौ बेबीलोनियन युग जो है कैल्डियन युग को कहा जाता है, कैल्डियन युग इसके लिए आंसर्स बनता है अगर ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। मित्रों ये तो आपने आज मिस्र की कला, मेसोपोटामिया कला, बेबीलोन की कला, क्रेट की कला, नो बेबीलोनियन की कला, ये सब पढ़े। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चंस भी आप देख लीजिए जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए।
मित्रों आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, मृतकों की पुस्तक यानी बुक ऑफ डेड मिलती है चीन में, भारत में, मिस्र में, जापान में। अभी जस्ट आपने कहा है मिस्र में मिलती है, तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, नील नदी की सभ्यता संबंधित है हड़प्पा से, मिस्र से, चीन से या फिर नील नदी से। मित्रों नील नदी की जो सभ्यता होती है उसका जो संबंध होता है वो इजिप्ट से होता है, यानी नील से होता है, यानी मिस्र से होता है, तो सही जवाब आप बी के साथ लगाओ। तीन नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, आपसे कहा जा रहा है विश्व विख्यात स्फिंक्स की मूर्ति कहाँ पे है। स्फिंक्स की मूर्ति इटली में है, मिस्र में है, जापान में है, क्रेट में है। अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि जो स्फिंक्स की मूर्ति है वो इजिप्ट में पाई जाती है, यानी मिस्र में है, तो सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन चार नंबर देखेंगे, पिरामिडों का देश कहा जाता है भारत को, जापान को, थाईलैंड को या फिर मिस्र को। मित्रों जो पिरामिड का देश कहलाता है उसका नाम इजिप्ट होता है, यानी मिस्र होता है, तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका है पाँच नंबर है, मित्रों कहा जा रहा है मिस्र में हेमूत कहा जाता है शिल्पकार को, राज को, कारीगर को या फिर चित्रकार को। मित्रों हेमूत की बात होती है, मिस्र में हेमूत किसे कहा जाता है, मिस्र में हेमूत कारीगर को कहा जाता है, तो सही जवाब बी के साथ लगाइएगा। ऑप्शन सभी दिए गए लेकिन आपको कारीगर ही आंसर्स देना है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन छः नंबर देखते हैं, प्रश्न संख्या छः कह रहा है मित्रों, छः नंबर कह रहा है हेरोडोटस कौन था, चित्रकार था, इतिहासकार था, मूर्तिकार था या फिर संगीतकार था। हेरोडोटस की जब बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं हेरोडोटस एक बढ़िया चित्रकार रहे हैं, हेरोडोटस की पुस्तिका ही इंडिका होती है। अच्छा हेरोडोटस हिस्टोरिका आप जानते हैं तो वो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे सात नंबर क्वेश्चन आएगा, सात नंबर क्वेश्चन मिस्र के प्राचीनतम चित्र कहाँ अंकित हैं, मिस्र के प्राचीनतम चित्र कहाँ अंकित हैं, नाम कब्र में है, लकड़ी में है, तटवर्ती चट्टानों पर है और ताड़पत्रों पे है। मिस्र के प्राचीनतम चित्र कहाँ अंकित हैं, तो मिस्र का जो पुराना वाला चित्र है मित्रों वो तटवर्ती चट्टानों पर है, तो सही जवाब आप बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन आठ नंबर देखा जाएगा, क्या कह रहा है, मिस्र का कौन सा पिरामिड सात आश्चर्यों में शामिल है, गीजा का, अबूसीर का, दोनों का या फिर कोई नहीं। मिस्र का कौन सा पिरामिड सात आश्चर्यों में शामिल है, सात आश्चर्यों की बात आती है तो गीजा का पिरामिड आपका जो सबसे बड़ा वाला पिरामिड होता है वो शामिल है सात आश्चर्यों में, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन नौ नंबर देखते हैं, पूछा गया मिस्र के प्राचीनतम शासक क्या कहलाते थे, नाम दिया गया पोप कहलाते हैं, सम्राट कहलाते हैं, बादशाह कहलाते हैं या फिर फारूह कहलाते हैं। मिस्र के प्राचीनतम शासक क्या कहलाते हैं, मिस्र के जो पुराने शासक होते हैं मित्रों फारूह कहलाते हैं, सही जवाब आप डी के साथ लगाओ, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। मित्रों डी इज़ द राइट आंसर्स नहीं यार, मिस्र के प्राचीनतम शासक की बात हो रही है और इजिप्ट के सबसे पुराने पुराने जो शासक होते हैं मस्तबा उनकी समाधि को कहा जाता है, मस्तबा उनकी समाधि को कहा जाता है आप जानते हैं, ठीक है, तो फाउरानो फाउरानो कहो या फिर क्या कहोगे, फाउरानो को ही सम्राट कहा जाता है, सम्राट राजा राजा, ठीक है, तो क्या कहेंगे, फरोह लिखा है, ये फरोह नहीं होगा, सम्राट कहो या फिर फाउरानो कहो, याद रखिएगा। तो बी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा, बी इज द राइट आंसर्स। अब यहाँ सम्राट लिखा है होना चाहिए या तो राजा या तो फिर आपका फाउरानो, ये जो फारूह लिखा हुआ है फारूह को या तो आप फाउरानो कर लो या फाउरानो कर लो, आप जानते हैं फाउरानो या फिर राजा उसे कहा जाता है, तो सही जवाब आप डी ही लगाओ, फाउराहो ही लगाओ, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चंस देखते हैं, दस नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे, विश्व में सबसे अधिक कला कहाँ पाई जाती है, नाम दिया गया भारत में, मिस्र में, जापान में, यूनान में। विश्व में सबसे ज़्यादा कला कहाँ पाई जाती है, तो सबसे अधिक कला आपकी इजिप्ट में पाई जाती है, मिस्र में पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे, ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेफर्तिती क्या है, नेफर्तिती चित्र है, फिल्म है, भवन है, मूर्ति है, नेफर्तिती क्या है। मित्रों नेफर्तिती की जब बात आती है तो सही जवाब चित्र के साथ आंसर्स बनता है, ए इज द राइट आंसर्स होता है। आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन है, रोजोंटा स्टोन कहाँ प्राप्त हुआ था, नाम भारत का दिया गया, चीन का दिया गया, मिस्र का दिया गया, जापान का दिया गया। रोजोंटा स्टोन कहाँ प्राप्त हुआ है, तो रोजोंटा स्टोन की बात आती है मित्रों, इजिप्ट आंसर्स बनता है, यानी मिस्र आंसर्स बनता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 13 नंबर क्वेश्चन से, मित्रों आपसे कह रहा है जुगुर्रत क्या है, जुगुर्रत मूर्ति है, चित्र है, भवन है, किताब है। जुगुर्रत क्या होता है मित्रों, तो जुगुर्रत आप जानते हैं कि भवन होता है, सही जवाब इसी के साथ लगाइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जुगुर्रत का संबंध किस सभ्यता से है, हड़प्पा से, चीन से, मिस्र से, मेसोपोटामिया से। जब बात जुगुर्रत की आती है तो जुगुर्रत मित्रों आप जानते हैं मेसोपोटामिया कला के साथ इसका संबंध होता है, तो डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 15 नंबर क्वेश्चन है मित्रों आपसे कह रहा है मिस्रवासी किस देवता की पूजा करते थे, नाम दिया गया शिव की, सूर्य की, ब्रह्मा की, विष्णु की। मिस्रवादी किसकी पूजा करते हैं मित्रों, तो आप जानते हैं भगवान सूर्य की करते हैं, भगवान भास्कर की करते हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, पीछा गया बेबुलिन का झूलता बाग किसने बनवाया, अशोक ने बनवाया, नेम्बू
चांद ने, जॉर ने बनवाया, सिकंदर ने बनवाया, फिर नेपोलियन के द्वारा बनवाया गया। बेबीलोन का झूलता हुआ बाग आपसे पूछा जा रहा है, आप जानते हैं मित्रों, तो नेबू चांदेन जर्जर की बात होती है, तो इन्हीं के द्वारा बनवाया जाता है झूलता हुआ बाग। सही जवाब वापसी के साथ लगाओ, शी इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा मित्रों। आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम है, ईरान है, इराक है, वेनिस है, पेशावर है। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम पूछा जा रहा है मित्रों, इराक का नाम आएगा। सही जवाब बी के साथ बढ़ेगा, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, ओडिसी और इलियड महाकाव्य की रचना किसने की, नाम दांते का है, प्लेटो का है, होमर का है, वसारी का है। मित्रों इलियड और ओडिसी की बात होती है, इलियड और ओडिसी जो है होमर के द्वारा लिखी गई है, तो सही जवाब होमर लगाइएगा। सही जवाब आप शी के साथ लगाइएगा, सी इज़ द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 19 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा मित्रों, 25 क्वेश्चंस भी हैं। मिस्र के किस राजवंश में चित्रकला का सर्वाधिक उन्नति हुआ है, नाम पहले राजवंश है, तृतीय राजवंश है, पांचवें राजवंश या फिर चतुर्थ राजवंश। मिस्र के कौन सा राजवंश में सबसे ज्यादा उन्नति हुई मित्रों, तो उस राजवंश का नाम पांचवां राजवंश होगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है किसके काल को पिरामिडों का युग कहा जाता है, सिकंदर का काल, अशोक का काल, जोसर का काल या फिर होमर का काल। किसका काल पिरामिडों का युग कहलाता है मित्रों, पिरामिडों के युग की बात आती है तो जोसर का नाम आता है। सही जवाब जो है वो किसके साथ बनता है, जोसर के साथ बनता है, निश्चित इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मस्तबा कहा गया है, मस्तबा समाधि को कहते हैं, क्षेत्र को कहते हैं, भवन को कहते हैं, फिर मंदिर को कहते हैं। जब बात मस्तबा की आती है मित्रों, तो मस्तबा आप जानते हैं समाधि स्थल होता है, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है, तो ए के साथ आप सही जवाब लगाओ। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों, 22 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है, लेखन कला का विकास किस जगह हुआ, लेखन कला भारत में पनपी, चीन में पनपी, मिस्र में जमती या फिर जापान में जमती। लेखन कला का विकास कौन सी जगह होता है, लेखन कला आप जानते हैं मित्रों कि आपकी इजिप्ट में आती है, मिस्र में आती है, तो सही जवाब मिस्र के साथ देना, सी इज द राइट आंसर लगाना। 23 नंबर क्वेश्चन है, गीजा का पिरामिड कितने एकड़ भूमि में फैला हुआ है, 10 एकड़, 13 एकड़, 12 एकड़, 15 एकड़। मित्रों गीजा की पिरामिड की बात आती है तो आप जानते हैं 13 एकड़ में फैला हुआ है, 13 एकड़ आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कहा जा रहा है सुमेरियन किस कला में प्रवीण थे, संगीत कला में, काष्ठ कला में, काव्य कला में, वास्तुकला में। सुमेरियन कौन सी कला में प्रसिद्ध थे मित्रों, तो इनका जो संबंध आता है वास्तुकला के साथ आता है। सही जवाब बी के साथ नहीं, डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगेगा। अंतिम क्वेश्चंस की बात होती है, अंत्येष्टि संस्कारों की कला कहलाती है, तो चीन की कला कहेगी, मिस्र की कला कहेगी, नेपाल की कला कहेगी या फिर श्रीलंका की कला कहेगी। तो जो अंत्येष्टि वाली कला कहलाती है वो आपकी इजिप्ट वाली कला कहलाती है, यानी मिस्र वाली कला कहलाती है। तो मित्रों इस टाइप से आपने आज मिस्र की कला, मेसोपोटामिया कला, बेबीलोन कला, क्रेट के कला, जो भी डाटा इंपॉर्टेंट थे वो देखने का प्रयास किया है, उनसे जुड़ा हुआ एमसीक्यूज भी सॉल्व किया है। हमें उम्मीद है समझ में आया होगा, और समझ में अगर आया है तो एक बार वीडियो लाइक कर देना और मित्रों के बीच जरूर शेयर कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो पाएँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं सुन में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।